हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 9.4 चल रही है अपनी। देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बस dx अपॉन dy आपको निकालना है इसमें। अब आप यहाँ पे हिंट देखेंगे, यहाँ पे पावर जो है x अपॉन y की फॉर्म में, और यहाँ पर भी x अपॉन y है। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे dx अपॉन dy करना है। इससे पहले क्या करते थे अपन, dy अपॉन dx करते। देखो अगर आपको इस तरीके से x अपॉन y या y अपॉन x कुछ ना दे, तो आप dx अपॉन dy या dy अपॉन dx कुछ से भी, दोनों में से किसी फॉर्म से कर सकते हैं, दोनों में से सेम आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ दिख रहा है x अपॉन y दे दिया है, तो आपको dx अपॉन dy ही निकालना पड़ेगा। ये आप एकदम कंफर्मली ध्यान रख लो, ठीक है। मैं इस वैल्यू को यहीं रखता हूँ, इस वैल्यू को उठा के वहां भेज रहा हूँ। देखो आप, वन प्लस ई एक्स अपॉन वाई, ई एक्स इक्वल टू, उसको उठा के लेके जाऊँ, माइनस का ई एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में वन, ये माइनस है, हाँ वन माइनस एक्स अपॉन वाई, और ये डी वाई, ठीक है। इसको नीचे भेज दो, dx को यहीं रखो, dx यहीं है, dy को नीचे लाओ, इक्वल्स टू ये वैल्यू रहने दो, यही माइनस का ई अपॉन एक्स अपॉन वाई, वन माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन वन प्लस ई एक्स अपॉन वाई, ठीक है साहब। ये आपका एक तरीके से इक्वेशन हमने dx अपॉन dy के फॉर्म में निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या करते हैं हम, अब हम रिप्लेस करते हैं एक्स को बाय लेमडा एक्स एंड वाई वो बाय लेमडा वाई, वेयर लेमडा इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट है फंक्शन में। देखो लेमडा एक्स हुआ, लेमडा वाई हुआ, इक्वल इस पूरी वैल्यू पुट करो, माइनस ई लेमडा एक्स लेमडा वाई, वन माइनस लेमडा एक्स लेमडा वाई, वन प्लस ई लेमडा एक्स लेमडा वाई, ठीक है। इन सबको कट करो आपस में, कितना बचेगा, माइनस ई एक्स अपॉन वाई, वन माइनस एक्स अपॉन वाई, वन प्लस ई एक्स अपॉन वाई। तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं यहाँ लेमडा जीरो मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता है। तो लेमडा जीरो, और ये पूरी वैल्यू आपस से वही फंक्शन की वैल्यू तो है जो गिवन थी। जब भी ये कंडीशन इसके इक्वल आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, सो गिवन इक्वेशन इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कितनी डिग्री की है ये, और डिग्री टू, क्लियर है यहाँ तक, सॉरी जीरो, जीरो दे रखा है ना, लेमडा के ऊपर जो पावर होती है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये होमोजीनियस तो आपने प्रूव कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखो नेक्स्ट स्लाइड में। पहले तो इक्वेशन लिखो वापस से, डीएक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई एक्स अपॉन वाई, वन माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन वन प्लस ई एक्स अपॉन वाई, देख लो एक बार इक्वेशन, यही है आपके पास इक्वेशन, बिल्कुल सही इक्वेशन है। करना क्या है आपको, ये आपके एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, ये पहले से एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, तो इसमें कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। इससे पहले वाले इक्वेशन में हम चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे पहले से एक्स अपॉन वाई में, तो आप लेट करो। अब देखो इससे पहले हम क्या लेट करते थे, वाई इक्वल्स टू वी एक्स लेट करते थे, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लाना। लेकिन अब हम क्या लेट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू वी वाई लेट करेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं करेंगे वाई रेस्पेक्ट करेंगे ना। तो डी एक्स का, तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वी 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 एज इट इज रखा, यू इंटू वी के हिसाब से, वाई का किया तो वन, प्लस वाई एज इट इज रखा, वी का करा तो डी वी अपॉन डी वाई। ये सारी इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है सर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। इस वाली इक्वेशन को देखो, एक्स इक्वल्स टू वी वाई, यहाँ से मैं अगर इसको नीचे भेजूँ, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वी निकल जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई एक तरीके से, हुई नहीं हुई। अब देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन। वन वाली इक्वेशन देखो, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पुट करना है आपको वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स, इधर देखो माइनस ई एक्स अपॉन वाई जो दिख रहा है, इसकी जगह क्या पुट कर दो, वी पुट कर दो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस ई वी, ठीक है। वी को उठा के उधर लाओ, वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई वी, वन माइनस वी पॉन में दे रखा है आपको वन प्लस ई वी माइनस वी, एलसीएम ले लें इसका, बिल्कुल सर। डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो पूरे को एलसीएम खोलते हुए, कितना हो जाएगा, माइनस का ई वी प्लस का वी डॉट ई वी, फिर माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का वी और माइनस का वी डॉट ई वी पॉन वन प्लस ई वी,
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है सर, बचेगा क्या आपके पास? डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई वी और माइनस वी अपॉन वन प्लस ई वी। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहो तो इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये ई वी प्लस वी हो जाएगा एक तरीके से, है ना। एक मिनट नीचे लिख देता हूँ ना। हाँ, वाई डॉट डी वी अपॉन डी वाई प्लस ई वी। अब क्या करना है आपको? अब आपको सिंपली एक्स वाली वैल्यू एक तरफ, वाई वाली वैल्यू एक तरफ, और यहाँ पे एक्स तो है नहीं लेकिन यहाँ पे वी है, तो वी वाली वैल्यू एक तरफ और बाकी एक तरफ। कैसे करेंगे? देखो, इसको ऊपर इधर भेजो इस साइड, और इसको इस साइड भेजो। वन प्लस ई वी अपॉन वी प्लस ई वी, समझे कुछ? ठीक है सर। और डी वी यहीं है, ये माइनस यहीं छोड़ दिया मैंने। डी वाई ऊपर भेजा और y नीचे भेजा। देख लो, ये इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है बोथ साइड इंटीग्रेशन लेके। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत आसान स्टेप हो गई यहाँ तक। ठीक है, पॉज करके एक बार आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, फिर आप आगे वाले एक एक चीज, एक एक स्टेप बाई स्लैप, स्लाइड बाई स्लाइड आप नोट करते चला करो साथ के साथ। ठीक है, आगे देखो। अब इस इक्वेशन को मैं आगे चल रहा हूँ। वन प्लस ईवी प्लस ईवी वी प्लस ईवी इक्वल्स टू माइनस का डी वाई अपॉन वाई। अब आपको क्या करना है? बोथ साइड इंटीग्रेशन। डी वी फिर इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई। देखो, यहां पर इंटीग्रेशन अगर लेते हैं तो लेट करते हैं अपन वी प्लस ई वी को। मान लो आपने टी लेट किया, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड। ठीक है, वी का वन हो जाएगा, ई वी का ई वी हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ऐसे ही होता है यहाँ पे। देखो, ये पूरी जो वैल्यू दिख रही है, इस पूरी की जगह तो डी टी आया था, और नीचे वाले की जगह क्या आ जाता? टी आ जाता। माइनस इंटीग्रेट डी वाई अपॉन वाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस लॉग वाई प्लस में मैं लॉग सी और मान लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू लॉग, टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू वापस रिप्लेस करो, वी प्लस ई वी लॉग वाई प्लस लॉग सी, लॉग एम अपॉन लॉग एन वाला तरीका लगाओ यहाँ पे। लॉग सी अपॉन वाई, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा गया यहाँ पे वी प्लस ई वी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। अब v की वैल्यू क्या है आपके पास? वापस से वही पुट करो। v की वैल्यू हमने क्या मान रखी थी? देखो, v की वैल्यू x अपॉन वाई थी, है ना। v की वैल्यू क्या चल रही है मेरे पास? x अपॉन वाई प्लस e x अपॉन वाई इक्वल्स टू c अपॉन वाई। एलसीएम ले ले अपन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई e x अपॉन वाई अपॉन में y इक्वल्स टू c अपॉन वाई। ये दोनों y से y कट गया, क्या बचा फाइनली यहाँ? x प्लस वाई e x अपॉन वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, यहां तक बताओ समझ में आ गया क्या? ये आपके फाइनली रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। वन ही हुआ, क्लियर है? ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10।